हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम स्नेहा और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इग्नो का क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर है हमारा ई सी ओ जीरो टू मीन्स अकाउंटेंसी का ये देखिए आपका बी कॉम का क्वेश्चन पेपर भी है एम कॉम का भी है और बी सी एम सी ए का भी है दिस इज अकाउंटेंसी अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है ई सी ओ ज़ीरो टू तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फटाफट देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर में हमें कैसे करना है क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ये हमारा क्वेश्चन पेपर जून 2023 का है अगर आपको इग्नू के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पास होना है तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा लीजिए उनको पढ़ लीजिए आपको पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बट हाँ अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूरा पढ़ना चाह चाहते हैं डेफिनेटली दे शुड डू बट अगर आपको सिर्फ पास होने के पेपर से पढ़ना है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा काम है कि आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो उठाइए सब जगह अवेलेबल हैं सब जगह यूट्यूब पर तो स्पेशली तो आप लोग जाके वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उनको सोल्यूशंस को करना शुरू कर दीजिए देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपलोड भी कर दिया है ये है क्वेश्चन नंबर वन का राइट right? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू इसका क्वेश्चन नंबर टू क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है उसे समझेंगे उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं वीडियो में और सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ये है कि क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा हमारी मोटिवेशन के लिए आपको एक काम करना है इज लाइक और सेकंड काम करना है विच इज सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नहीं लगती मत करो बट हां अगर लग रही है तो डेफिनेटली ये कर दीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन शो हो गया है क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियट बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ नोट मतलब हमें बिल ऑफ एक्सचेंज और नोट के बारे में उनका डिफरेंस बताना है उनको एक तरह से डिफरेंशियट करना है राइट right? तो ये बहुत इजी है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमेजरी नोट क्या होता है सबसे पहले वो मैं आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट से एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट इनको कर लेंगे राइट right? आप एग्जाम में आपको क्या लगना है सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है बट हाँ अगर आप थोड़ा सा उनको मीन उनके एक्सप्लेन कर दोगे देन इट विल बी फाइन इसका सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है प्रोमेजरी नोट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई ये? ट है बिल ऑफ एक्सचेंज करेक्ट है अब नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट विच इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विच इज लीगली टू पे अटेन सम ऑफ अमाउंट इसका मतलब यहां पर आपको ध्यान देना है ऑर्डर ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट मीन ये नहीं कि गाना बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट नो no, नो no, नो no, नो no. <laughs> हम अकाउंट स्टर्म में भी चेक इन सबको क्या हैं? कहते हैं इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ओके मींस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑर्डर देता है क्या कर रहा है ऑर्डर टू पे हां ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू पर्सन मतलब किसी को कुछ अमाउंट पे करने के लिए एक ऑर्डर दिया जाए ठीक है वो भी रिटन में उस एक लीगल डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है ऑर्डर इसमें क्या किया जा रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है ठीक है राइट विद इन डिटरमाइंड टाइम फ्रेम इसमें टाइम फ्रेम भी लिखा होता है कि, कि किस टाइम तक आपको पेमेंट करनी है ऑन डिमांड बाय दियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है समझ में आया इट मीन कि जैसे एक मैं हूं एक थर्ड पर्सन है तो बट इसमें रहते हैं ठीक है अब मैंने किसी ने मेरे से अमाउंट लिया राइट अब मैं उसे ऑर्डर दूंगी कि भाई मुझे पेमेंट करो तो वो एक लीगल प्रोसेस होता है अब वर्बली बोला तो इट्स नॉट लीगल अगर आप लीगैलिटी से चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा बिल ऑफ एक्सचेंज देना होता है करेक्ट है और उसमें क्या होता है प्री डिटरमाइंड टाइम रहता है ये सब मेंशन रहता है अब इसे इश्यू कौन करता है अ क्रिएटर इश्यूज बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी क्रेडिटर है क्रेडिटर इश्यूज बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इश्यू करता है क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर मींस जिसको पैसे लेने हैं और ठीक है वो हमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा ऑर्डर देते हुए किसको डेटर को ठीक है डेटर को इशू करेगा मतलब जिस बंदे को पैसे देने हैं फॉर पेमेंट ऑफ मनी ओड बाय द डेटर किसने ओ किया है ओ मतलब उधार लिया है किसने लिया है डेटर ने उधार लिया है किसी गुड्स को बेचने के चक्कर में या कुछ सर्विसेज दी होंगी या उसने ली होगी और उसमें उसने कुछ पैसे उसके रह गए हैं जो उसे पे करना है ठीक है तो वो डेटर हो गया और हम उसे दे रहे हैं तो वी आर द्रेडिटर राइट अब प्रोम फीचर भी करेगा ये नहीं की मैंने ऑर्डर पास कर दिया मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया और उस पर्सन को एक्सेप्टेंस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं उसको एक्सेप्ट करना का अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कंसिडर मतलब खराब हो गया वो आपका ठीक है वो ऑर्डर जब तक टू इन कहा थे वैलिड है तब तक के लिए तब तक उसे वो एक्सेप्ट करना होगा इट इज यूज इन बिजनेस इट इज यूज इन बिजनेस टू सेटल द आउटस्टैंडिंग क्यों दिया जाता है भाई जो उधारी है जो आउटस्टैंडिंग है ठीक है उसे सेटल डाउन करने के लिए लाइक like, मेरा बिजनेस है ठीक है मेरे से किसी ने उधार लिया है डेट इज द डेटर और मैं अभी क्रेडिट हो गई तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई मुझे पैसा दो क्यों क्योंकि मेरी आउटस्टैंडिंग है ठीक है इसलिए अब इसमें कौन कौन इंक्लूड रहता है थ्री पार्टीज इंक्लूड रहती हैं, कौन कौन है भाई वो थ्री पार्टीज एक ड्रॉर है एक ड्रॉई है और एक पेई है ड्रॉर इज द पर्सन हु इश्यूज़ द इंस्ट्रूमेंट ड्रॉर कौन होगा जो इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहा है इन ऑर्डर टू रिसीव अ पेमेंट मतलब पेमेंट आने के लिए वो क्या कर रहा है इशू कर रहा है राइट right? मतलब उसे दे रहा है ड्रॉई कौन है ड्रॉई इज द पर्सन हु नीड्स टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉर ड्रॉई कौन है जो हु नीड्स टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉर जो ड्रॉर को अमाउंट पे करेगा पे पे इज द द पर्सन हु रिसीव्स पेमेंट पे कौन है जिसके पास पैसा है मैंने क्या कहा थ्री अवेलेबल है ध्यान से इसमें ध्यान से सुनीगा ड्रॉ ड्रॉई और पे मुझे पैसे लेने थे तो मैं पे ही हो गई क्यों क्योंकि पैसे मुझे रिसीव करने हैं और जिस पर्सन ने पैसे लिया था डेट इज द ड्रॉई कौन है वो ड्रॉई है ठीक है हु नीड्स टू पे अमाउंट टू द ड्रॉर वो किसे देगा एक थर्ड पर्सन जो कि है ड्रॉ उसको वो पैसे देगा एंड ही विल पे टू मी टू मै पे और ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करेगा दिस ड्रॉ ये पर्सन थर्ड पर्सन करेगा राइट थर्ड पर्सन करेगा और जिसने लिया है डेट इज द ड्रॉय और जो इशू कर रहा है डेट इज द ड्रॉर और जिसको पैसा देना है मतलब जिसके पास आएगा कई कि दोनों और दोनों और हो सकते हैं भाई. मुझे नहीं चाहिए कोई राइट अपना पैसा निकालने के लिए तो मैं खुद ही इशू कर सकती हूँ बट मैक्सिमम इसमें ये तीन स्टेप्स फॉलो होते, होते हैं तीन पर्सन इंक्लूडेड होते हैं अनलेस इट इज ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी पेई

टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अर्सन विद इन टाइम एक टाइम एक प्री पहले से डिसाइड हो गया है, time, उसमें करने के लिए उसको एक डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर अब समझते हैं व्हाट इज प्रोमिजरी नोट वोमिसरी नोट प्रोमिसरी नोट क्या है प्रोमिसरी नोट इज अननेगोशिएबल द इंस्ट्रूमेंट भैया ये भी वही है यहां भी था ये भी क्या था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था कंटेनिंग रिटर्न प्रॉमिस इसमें क्या हो रहा है प्रॉमिस किया जा रहा है क्या प्रॉमिस और इससे पहले में क्या था ऑर्डर ध्यान से यही चीज आपको समझनी है ठीक है इसमें प्रॉमिस हो रहा है इसलिए इसका नाम है प्रॉमिसरी नोट रिटर्न में प्रॉमिस हो रहा है

जिस पर्सन ने पैसे लिए थे जिसको देने हैं पैसे ठीक है वो प्रॉमिस करेगा ध्यान से सुनिएगा इन दोनों में यही डिफरेंस है हम प्रॉमिस कौन करता है जिसने लिया होता है वो कहते हैं नहीं नहीं आई आई विल टू यू ओके वो प्रोमिस कर रहा है वो देगा ठीक है और इसमें क्या था ऑर्डर कौन देगा जिसने पैसे दिए हैं वो ऑर्डर देगा जिसका गुड्स था जो बेचा गया है जिसकी उसने पेमेंट नहीं की है क्लियर और प्रोमिसरी नोट कौन देगा प्रोमिस जो कर रहा है जिसने पैसे ले रखे हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू इट्स होल्डर क्लियर इतना ध्यान से रखिएगा नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज वंस इट इज ड्रॉन बाय द डेटर ये कौन ड्रॉ कर रहा है डेटर और वो कौन ड्रॉ कर रहा था कौन इशू कर रहा था ये कौन इशू कर रहा था क्रेडिटर कौन इशू कर रहा था इसे क्रेडिटर और इसे कौन इशू कर रहा था डेटर राइट right?

बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कौन रहा Bill of exchange, issue कर रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा था क्रेडिटर तो एक्सेप्ट कौन करेगा डेटर राइट right? यहां पे प्रोमिसरी नोट इशू कौन कर रहा है डेटर एक्सेप्ट तो किसको करना है क्रेडिटर तो इसमें एक्सेप्टेंस की एसच रिक्वायरमेंट नहीं है नीड नहीं है करो या ना करो कोई नीड नहीं है राइट right? इसमें क्या है टू पार्टीज टू पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और उसमें थ्री पार्टी ठीक है ड्रॉर और मेकर मतलब और मेकर means जो प्रॉमिस कर रहा है ठीक है ठीक ड्रॉकर जिसके पास पैसा आएगा यहां भी पेई वो ही था जिसके पास पैसा आना था राइट ड्रॉर ड्रॉर इज द डेटर हु प्रोमिस टू पे द अमाउंट टू लेंडर और क्रेडिटर ठीक है समझ में आया वो पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है जिसको उसे जिससे उसने पैसे लिए हैं या उस पर पे इज द क्रेडिट और हु प्रोमिस मतलब जिसको प्रोमिस किया जा रहा है ठीक है बाय द और डेटर समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई देखो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट नहीं है आप बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और नोट समझना चाहते हैं क्योंकि और का पार्ट है अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं किसी भी उसमें तो भी आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लियर ना no. अभी हमारा क्या कंसर्न है इसके बाद आ जाते हैं ये हो गया अब मैंने एक छोटा सा इसमें ना वो बनाया है क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना था तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट है तो आपकी बुक में भी अवेलेबल है ठीक है ये बुक में से ही आया है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ये बहुत छोटा सा पहले तो मैंने कुछ इस टाइप का बनाया था देन आई हैव जस्ट गोन थ्रू विद द बुक्स बुक के से जब मैं गो थ्रू हुई तो मैंने ये छोटा वाला पार्ट देखा तो इट्स सफिशियंट और यही आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है क्या लिखना भाई दोनों में डिफरेंस इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे इट इज एन अनकंडीशनल प्रोमिस क्या कहा था मैंने दो वर्ड याद रखिए ऑर्डर और प्रोमिस क्लियर है ये ऑर्डर है और ये प्रोमिस है इट इज मेड बाय द क्रेडिटर ये कौन बनाता है भाई जिसका पैसा है ये कौन बनाता है जिसे पैसे देने हैं मींस डेटर एक्सेप्टेंस बाय द डेट नेसेसरी भाई जिसने उधार लिया उसके है उसके एक्सेप्टेंसेस में नेसेसरी है यहाँ पे नो एक्सेप्टेंसेस रिक्वायर्ड किसी भी तरीके के एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है देयर आर थ्री पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें कितनी पार्टीज है थ्री मेंशन कर देना ड्रॉ ड्रॉ और पेई इसमें टू पार्टीज कौन ड्रॉ

क्लियर है ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट अब जरा इसमें एक पार्ट और था वो देख लेते हैं स्टेट द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ठीक है मीन्स बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं तो आप लोग अगर आपके पास इग्नू की बुक है तो उसमें इजीली मेंशनड है आप वहां से भी देख सकते हैं मैं वहीं से एक्चुअली आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है वहां से देखते हैं ओके okay? तो लेट्स गेट इन टू दिज्यू में हम ऑलरेडी है वेट फॉर अ सेकेंड जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन यस हियर इट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स बल hmm, यहां पे आ जाएगा आपका मैं विंडो थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी this is not showing actually इसमें भी देख सकते हैं ये ना सी आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल है नो जस्ट अ मिनट ये भी विजिबल हो जाएगा ऑर्डर मूव अप टू ओके ये रहा. देखिए स्क्रीन पे आपको विजिबल हो गया है दिस वन बिल्स रिसीवेबल में कौन सी एंट्रीज होती है और बिल्स और इसमें बिल्स रिसीवेबल में एक तो ये है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है ये तब की एंट्री है बट उससे पहले एक एंट्री और होनी चाहिए वन ओके okay? एक एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई राइट अब एक होगा जब पेमेंट रिसीव होगी बिल्स बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये एंट्रीज को नोट कर लीजिए ये एंट्रीज आपकी बिल्स रिसीवेबल की हैं ठीक है इन एनी केस अगर बिल में डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ठीक है ये तीन एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है ये बिल्स रिसीवेबल की एंट्रीज है ठीक है एक तो ये वन, बिल्स रिसीवेबल जब बिल होगा पेमेंट रिसीव्ड uh, होगी तो यहाँ लिखेंगे और जब डिस्काउंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट uh, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट राइट अब इस तरीके से अगर एंडोर्समेंट की एंट्री है तो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल इस तरीके से अब आ जाते हैं बिल्स पेपर बिल्स का ये देखिएगा बिल्स का ये रहा ड्रॉड अकाउंट ड्रॉ मीन जो क्रेडिटर है टू डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बींग बिल एक्सेप्टेड जब बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है ठीक है होगी अकाउंट इस तरीके से इसमें ये दो एंट्रीज है क्लियर है ये रही यहाँ पे भी आप चाहे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये थ्री टू फोर एंट्रीज होती हैं जो आपको मेंशन करनी होगी इस क्वेश्चन में राइट right? अगर आपको समझ में आया है, तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स के साथ ये पढ़ लीजिए जितने क्वेश्चन आपको वीडियो में दिख रहे हैं सब पढ़ते जाइए आएगा ही आएगा फोर्टी मार्क्स का पेपर होता है तो ज्यादा परेशान नहीं होने फोर्टी फाइव का बेसिकली फिफ्टी सॉरी माय अपोलॉजी फिफ्टी मार्क्स का पेपर होता है आपको कुछ नहीं बीस से पच्चीस मार्क्स आपको लाने हैं एंड यू विल बी पास तो ये कैसे आ जाएंगे जब आप ये वीडियोस देख लोगे पक्का क्वेश्चन फसेंगे ठीक है अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग